छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। What's up guys, hello from कुन्नूर। एक्चुअली ना मैं आज सुबह सुबह पहुंच तो गई थी 8 बजे, बट उसके बाद क्या हुआ कि हॉस्टल में ही दो लोगों के साथ हम चले गए ऐसे ही डॉल्फिन नोज। यहाँ का एक व्यू पॉइंट है जो ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ही एवरेज था, लेकिन वहाँ तक का जाने का रास्ता बड़ा अच्छा था। हॉस्टल में एक्चुअली रहने के फ़ायदे बहुत होते हैं। लाइक एनी अदर यूजुअल टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पर भी काफ़ी सारे शॉप्स एंड और ये सब चीज़ें हैं। हॉर्स राइडिंग तो भाई नहीं, बाकी तो या बेसिक्स, बट यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। लेट मी एक्चुअली शो यू। सो यहाँ पर एक शॉप पे ना मुझे मैग्नेट्स दिख गए, यू नो आई लव मैग्नेट्स राइट, सो आई एम टेकिंग दिस वन बुद्धा जी का। एक्चुअली मुझे इसमें कुन्नूर का चाहिए था बट इनके पास सिर्फ ऊटी का है, बट दिस वन आई एम गेटिंग फॉर 80 रुपीज़। ओके देयर इज़ वन थिंग, अगर तुम कभी भी साउथ इंडिया में आओगे ना कहीं पर भी, तो तुम्हें ना ये मसाले बड़े सही से ऑथेंटिक से मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली मतलब तुम्हें ख़रीदने चाहिए। मैं जब भी आती हूँ मैं लेकर जाती हूँ, स्पेशली ये लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी, वो स्टार सा होता है ना जो वहाँ पर रखा हुआ है। इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी कि एकदम हेडेक होने लगे और मैं हॉस्टल वापस आई और मैं सो गई। एंड टू माई सरप्राइज़ यार हॉस्टल में यहाँ पंखे नहीं थे। मैं आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि यार एसी वेसी होगा या कुछ, बट यार फ़ैन भी नहीं थे। दिस वॉज़ लाइक काइंड ऑफ अ सैड थिंग। वैसे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, नींद आ गई थी, बट ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट कंसीडर करने वाला है अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो तो, अगर गर्मियों के टाइम आ रहे हो तो। नाउ इट्स 4 PM, भूख इतनी ज़्यादा लग रही है तो मैंने सोचा कुछ बाहर ही खा कर आते हैं। हॉस्टल में बेसिकली लंच फैसिलिटी नहीं है, डिनर एंड ब्रेकफास्ट इज देयर। सो ब्रेकफास्ट आई हैड देयर ओनली लाइक ब्रेड ऑमलेट, एंड उसको भी मैं कुछ खास ऐसे मार्क्स नहीं दूंगी। मैं प्रॉपर रिव्यू डाल रही हूँ सो दैट यू नो यू हैव द फेयर आइडिया। ब्रेड ऑमलेट वॉज लाइक ब्रेड ऑमलेट, मतलब बहुत ही बेसिक सा था, बेसिक से एक्चुअली थोड़ा कम था। तो सब अच्छा है, आपको क्या चाहिए आप बोलो। आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए, आप बताओ क्या सबसे अच्छा है, हमें को क्या खाना चाहिए। दिल्ली से आई हूँ मैं, बताओ मेरे को। ठीक है वो बना दो, उसके साथ सांभर होगा। हाँ ठीक है। यहाँ पर इफ़ यू सी दे हैव यूज द वर्ड टिफिन, सो यहाँ पर एक्चुअली टिफिन वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम पेपर डोसा, वो भैया ने जो भी बोला है। हाँ ये वाला घी पोड़ी पेपर डोसा। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुन्नूर। तुम लोग को बर्ड्स की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, आई मीन इतने सारे बर्ड्स हैं ना, और अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। बहुत ही प्यारी सी एकदम ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, सारी साइड सिर्फ बर्ड्स हैं और मैं अकेली उठी हुई हूँ यहाँ पूरे हॉस्टल में अभी। ऐसे मैं ना यहाँ पर कल आ गई थी, लेकिन मैंने कल यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लाइक मैं बस सोई हूँ, रेस्ट किया, खाना वाना खाया, दैट्स इट। आज लेकिन मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के ना थोड़ा बाय वॉक जितना पॉसिबल हो सकता है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। एक मन कर रहा है कि मैं यहीं बैठी रहूँ कुछ भी नहीं करूँ, बस बर्ड्स की आवाज़ें सुनूँ और बैठी रहूँ। दूसरा मन कर रहा है फटाफट से ड्राई क्लीन होकर जाती हूँ और बाहर देखती हूँ कि कैसा है कुन्नूर टाउन। एक्चुअली ना मुझे जाना ही चाहिए,
अब मुझे ये नहीं पता कि मैं फ़र्स्ट कहाँ जाऊँगी, बस बाहर निकल के देखती हूँ क्या सीन है। लेकिन हाँ, मेरा यहाँ के रेलवे स्टेशन जाने का बड़ा ज़्यादा दिल है। तुम बोलोगे ऐसा क्या ही स्पेशल है, बट वहीं चलकर ही मैं तुम्हें बताऊँगी जब भी गई। बट बिफोर दैट, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग। दिस इज़ द बर्ड हाउस होस्टल। एंड ये यहाँ जो विंडो है ना, ये वाला मेरा डॉर्म है पीछे, अंदर से बाद में दिखाऊँगी। बट फॉर नाउ लेट्स एक्चुअली गेट ड्राई क्लीन्ड। ओके, आई एम रेडी। इट्स 7:20 एंड अभी से ही एकदम ही धूप निकलनी शुरू हो गया। कल वैसे ऑनेस्टली दिन में आना एक्सट्रीम गर्मी हो गई थी, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट ठीक है, आई जस्ट होप कि आज कुछ तो हो जाए, बारिश वारिश ही हो जाए और गर्मी ना होए। लेट्स सी। एक्चुअली होस्टल गाइज हैंडेड ओवर दिस मैप। इसमें ना देर इज़ अ प्लेसेस ऑफ लिस्ट दैट आई कैन एक्चुअली कवर। एंड सब कुछ यहाँ पर बहुत ही पास पास है। अगर मैं ऑटो भी लूँगी तो भी आई मीन ज़्यादा दूर नहीं है। एंड ऑटो वाले ना बहुत मिनिमल से ही चार्ज करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है वॉक वाला, चढ़ाई है तो थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है, बट वर्थ इट। मुझे एक्चुअली भी रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस कि तुम दो दिन के लिए आओ, पूरा यू नो टिक ऑफ योर लिस्ट, घूमो घामो और चले जाओ। दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेस कि तुम यहाँ आओ, हफ्ता 10 दिन मिनिमम रुको और एकदम रिलैक्स करो, स्लो ट्रैवल करो। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट्स नॉट इवन 8, कोई शॉप्स भी नहीं खुले, आई एम ऑलरेडी सो हंग्री। मुझे यहाँ जाना है लक्ष्मी कैफे पे, एंड अभी 8 बजे की खुलता है, मैं एग्जैक्ट 8 बजे आ गई और अभी खुल ही रही है। आई मीन झाड़ू पोछा चल रहा है इनका। सो आई हैव टेकन घी पूरी मसाला डोसा। यहाँ साउथ इंडिया में एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी प्रैक्टिस है दैट आई विल शो यू नाउ। सो ये लोग ना अपने, जैसे ये भी एक कैफ़े है, तो इन्होंने अपनी बाहर चौखट पे बोल सकते हो ऐसे हल्दी से पूरा वॉश किया हुआ है। ऑब्वियसली इसके पीछे काफ़ी सारे रिलीजियस इनके बिलीव्स हैं, और ये ऐसे तो मैं काफ़ी सारे घरों के आगे, दुकानों के आगे मिल जाएगा यहाँ पे। आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन एंड आई सॉ दिस ह्यूज बोगनविला क्लाइंबिंग अप दिस ट्री। इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताऊँ। और यहाँ पूरे कन्नूर में ना ये पर्पल फ्लावर्स वाले ट्रीज भी बहुत सारे हैं। आई डोंट नो द नेम, बट ये भी बहुत ही सुंदर है। मुझे ना मज़ा आ गया यहाँ पर आके सही में। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दिन बहुत ही कम है, एक दिन का काम नहीं है यहाँ पे। यू नीड सो मेनी डेज हियर जस्ट टू डू नथिंग। ये देखो ऐसे लग रहा है ना, पर्पल कारपेट है। ओह कितना ब्यूटीफुल है ये वाला घर। कुछ ज़्यादा ही सुंदर नहीं लग रहा, बहुत प्रीटी लग रहा है। आई लव दिस टाउन मैन। मार्केट फिगर आउट कर रही हूँ मैं अभी और चल ही जा रहे हैं यार, मतलब काफ़ी दूर सा हो गया। बट एनीवेज आई गेस दिस इज़ अ शॉर्टकट, सो यहाँ से जाएंगे अभी। अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना, दिस इज़ अगेन अ साउथ इंडियन थिंग, क्या हर घर के आगे, हर दुकान के आगे रंगोली बनी हुई है। इट्स एक्चुअली देयर डेली प्रैक्टिस। एक और चीज़ दिखाती हूँ तुम्हें, मैं एक्चुअली ना एक मंदिर तक पहुँच गई। यहाँ मंदिर है या मॉस्क है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे दोनों चीज़ें साथ साथ देख के। एंड ये यहाँ पर ना हर घर के आगे पत्ते हैं किसी चीज़ के, तो कौन से पत्ते हैं मैं एक्चुअली पूछ लेती हूँ। एक मिनट हाँ अंकल, ये कौन से पत्ते हैं, कौन से लीव्स हैं? विच लीव्स? मैंगो, नीम, नीम, विच लीफ? नीम का है ना, नीम। ओके 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 ओके। हाँ सी, नीम के पत्ते लगाए हुए इन्होंने सब ने अपने घर के आगे। तो दीदी ना माला बना रही है, मैंने इनसे पूछा कि कैन आई टेक योर फोटो, शी सेड यस फॉर टेंपल। ओके, मरियम्मा, श्री तंजी मरियम्मा।
यहाँ साउथ इंडिया में ना बेकरी कल्चर बहुत ज़्यादा है, बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन यहाँ कन्नूर में भी मैंने एक्सट्रीम देखा पता है। और अभी ना मैं चल रही थी, इतनी अच्छी ऐसे फ्रेग्रेंस आ रही थी ना कुकीज़ की, हो एंड मैं रुक गई वो शॉप पे, एंड आई नोटिस दैट देयर इज़ दिस एलोवेरा, एलोवेरा यहाँ पर इफ़ यू सी। आई ट्राइड टू कम्युनिकेट विद द आंटी, ऑल्दो उनको आती नहीं थी वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों ही, मलयालम ही आती थी, बट फिर वो सामने शॉप वाले भैया ने समझाया कि दिस इज़ मेनली टू एब्जॉर्ब द वाइब्स ऑफ पीपल हूसएवर इज़ कमिंग इन, बिकॉज एवरी वन कम्स विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब। सो या मुझे कहीं ना कहीं हिंट था कि ऑब्वियसली नज़र वज़र वाले और ये सब चीज़ों के लिए लगाते हैं सब चीज़ें, बट एलोवेरा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अरे चलते चलते मुझे कुछ तो नज़र आया, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, घी निकाल रहा है मक्खन निकाल रहा है। कैन वी गो इन साइलेंट सी, एक्चुअली इडली डोसा बैटर है लिखा भी हुआ है। वाओ एकदम दिख रहे हो फ्रेश बना हुआ है। इरटे इले ओके आई रीच दिस ग्राउंड अपेरेंटली द ओल्डेस्ट लाइक 100 साल पुरानी टाइप्स इले रची नायगन अनन डी लोकेश तमचल नागलके दिस इज सच एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म। इफ यू सी ना इनके जो बर्तन तक भी है ना, दीज आर ऑल्सो वेरी ओल्ड। एंड ये जो इनकी प्लेट्स वगैरह भी है ना, ये भी अगेन बहुत ही पुराने टाइम की ही रखी हुई लग रही हैं। अगेन पूरा जो चार्म है दैट्स ऑब्वियसली लाइक टेक्स यू बैक इन टाइम। Oh, look at that body also. Only the camera thing is new. Oh, look at this घड़ी also. अभी अंकल ने बताया कि ये ना सारी 100 साल पुरानी घड़ियाँ और इसमें वही हफ्ते में एक बार चाबी चुबी देनी पड़ती है। ये रोज़ फ्रेश बनता है। कितने बजे बेकरी का शुरू करते हैं आप? काम? हाँ? 6 बजे। अब दुकान 8 बजे खुलता है। फटाफट बेक हो जाता है इतने जल्दी से? और अंकल करता कौन है बेक? बेक कौन करता है? अलग है, स्टाफ है। अच्छा, पूरा केरला के। ओके नाइस। और आपकी रेसिपीज सारी पुरानी है? ओल्ड, वेरी ओल्ड। ई एन ए एन ए आर ए एच ई जे ए आर ए एच ई एच ई जे ए जे ए जी। चेक करना अंकल आप ये। हाँ मेरी बेटी को बता देता हूँ। यूट्यूब पर है ये। बड़ी बेटी है मेरी। अच्छा, वो कोयम्बटूर में है। आई सी। हाँ, और क्रोम होम कर रही है वो। ओके। अच्छा, खुद का बिजनेस है उसका। अच्छा, ओह नाइस, एंटरप्रेन्योर। हाँ अच्छा, नाइस। ये अभी क्राउन बेकरी के सामने एक मार्केट है यहाँ पर है, और अंदर घुस तो इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई ना, बिकॉज ये फ्रेश फ्लावर्स यहाँ रखे हुए हैं। ओ यार, आई कॉन्ट टेल यू कितनी ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। आई विश मैं तुम्हें कैमरा से स्मेल करा सकती, बट लुक एट दिस। हमें छोटी सी मार्केट के अंदर आए हैं बिकॉज हमें थोड़े थोड़े मसाले लेने हैं, बट यू सी यहाँ मैंने बोला था ना बेकरी का कल्चर कुछ ज़्यादा ही है। बेकरी और ये सारा ऐसे फ्राइड चिप्स एंड ऑल दैट। अभी हम लोग घूमते घूमते पहुँचे हैं एक स्पाइसेस वाली शॉप पे। मैंने तुम्हें बताया था ना, नहीं बताया शायद, कि यहाँ पर ना साउथ इंडिया में बहुत ही तुम्हें ऑथेंटिक ओरिजिनल हर्ब्स और स्पाइसेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हियर यू सी आर सनफ्लावर सीड्स। ये मुझे पता नहीं, ये भी मुझे पता नहीं, ये भी मुझे पता नहीं क्या है। दिस आल्सो आई डोंट नो, दिस आल्सो आई डोंट नो, दैट्स शिकाकाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीन्स कैन यू सी हियर? सो मैनी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। फाइनली चल चल के हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, और जगह तो अच्छी लग रही है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट फर्स्ट रेलवे ट्रैक क्रॉस करके सामने जाना है उस साइड। बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा स्टेशन है वहाँ से अगर देखो तो। लेट्स गो। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना। इतना बहुत ही प्रिटी स्पॉट है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, विच इज दिस ट्री एंड
इसके नीचे ना यहाँ पूरे फ्लावर्स हैं एंड ये दीदी ने यहाँ झाड़ू लगा रही है, ये सारे फ्लावर्स हटा रही है। आई आस्क्ड हर कि दीदी प्लीज़ फ्लावर नहीं हटाओ, बट अच्छी सी फीलिंग आ रही है एक्चुअली। ऐसे लग रहा है कि बस यहीं बैठे रहो, चिल करते रहो। बट यार ये जगह है शाम को आने वाली, डेफिनेटली आने वाली है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लाइक तुम बोलोगे कि रेलवे स्टेशन क्यों जाना है, वेरी प्रिटी प्लेस यार, बहुत ही खूबसूरत से फूल लगा रखे हैं हर जगह, बहुत ही सीनिक सा है, बट अच्छे मौसम में, लाइक मॉर्निंग या इवनिंग। ट्रेन आई हुई फाइनली मेरे यहाँ होते होते ना, कितनी क्यूट ट्रेन है ये, नेक्स्ट टाइम मैं ये पक्का ही राइड लेने वाली हूँ। ये है उड़ा मंगलम कुन्नूर और मेट्टू पालयम। सो ट्रेन राइड तो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ना मैंने यहाँ पे फोटो खिंचवा लिया, बट यू नो दैट्स हाउ द केबिन्स लुक लाइक। आई एम श्योर दिस राइड इज़ लाइक टोटली वर्थ इट, मेरे को करना है ये, बट नॉट दिस टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टिकट्स। व्हाट्स अप गाइस, मैं ना एक्चुअली बाहर से मार्केट से होकर आई, रेलवे स्टेशन घूम कर आई एंड यहाँ पर हॉस्टल में वापस आके आई स्लेप्ट फॉर लाइक वन एंड हाफ आवर एंड नाउ आई एम ऑल सेट रेडी टू गो आउट। अभी का प्लान जो भी होगा ना मैं चलते चलते बताती हूँ, बट दिस इज़ द डॉर्म वेयर आई एम स्टेइंग। फिलहाल तो मेरे बेड पे सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी लोग ना शायद रात को चेक इन करने वाले, आई डोंट नो। एंड बाहर से भी लेट मी एक्चुअली शो यू, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड दैट्स लाइक द मिक्स डॉर्म। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, देयर इज़ द किचन, यू कैन एक्चुअली ऑर्डर फूड ऑल्सो देयर, शुड हैव माइक्रोवेव एंड ऑल ऑल्सो। यहाँ चेरी बेरी करके एक बहुत ही फेमस फाइन डाइन है, वी केम हियर और दिस इज चेरी बेरी। एग्जैक्टली क्या है कैसे अंदर जाके दिखाती हूँ, बट एज आई हर्ड यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, इट्स अ प्रीमियम फाइन डाइन हियर एंड इट लुक्स सो प्रिटी। यहाँ पर टी फैक्ट्री भी है, रेस्टोरेंट, दे सेल प्लांट्स ऑल्सो, यहाँ पर सारे प्लांट्स पड़े हैं, कितने खूबसूरत एंड एक्चुअली ऑनेस्टली रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस कैक्टस 250 रुपीज़, ओह आई सो वॉन्ट टू टेक इट बट आई कैन नॉट रियली। ये जगह इतनी ज़्यादा वर्थ इट है ना, आई कॉन्ट टेल यू, लाइक मस्ट कम टू चेरी बेरी वेन एवर यू आर इन टाउन। एंड माई गॉड द व्यूज फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम एवरी सिंगल विंडो यू विल सी इज क्रेजी। खाना आ चुका है, सो वी ऑर्डर्ड दिस बुधा सैलेड बोल एंड बिरयानी, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी सही है, आई कॉन्ट वेट टू डिग इन, सो आई टॉक टू यू लेटर, बाय। सो वी हैड वेज कोफ्ता बिरयानी, चेरी बेरी बुधा बोल एंड पैक कराया तो उसका कंटेनर के बिल उन्होंने 20 रुपये लगा दिया, बट ओवरऑल 662 इज़ द बिल विच वी शेयर्ड। लाइक मैं एक्चुअली अपने एक हॉस्टल में एक मेरी फ्रेंड बनी है उनके साथ आई हूँ, सो या इट इज़ प्रिटी चीप एज पर द प्लेस, आई मीन काफ़ी अच्छी जगह है यार, खाना भी बहुत अमेजिंग था, आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ बट प्लान है आगे। ओके सो इनकी चेरी बेरी का ना, एक तो ये फार्म टूर देते हैं और इनका ये टी एस्टेट्स है, वेट हाई फील्ड एस्टेट्स कुन्नूर, काफ़ी सही है मेरे पास, ऑल दो ये सब करने का भी टाइम नहीं है बट आई विश आई कुड। और ये इनकी सुपर मार्केट है, लेट्स गो एंड चेक। ये सब एक्चुअली इनका खुद का फार्म में ग्रो किया हुआ सामान ही यहाँ पर बेच रहे हैं, कितनी सही लग रही है स्ट्रॉबेरीज। एवोकाडो 240 पर केजी। यहाँ एक्चुअली चीज़ें ना पता है बहुत ही सस्ते में दे रहे हैं एक्चुअली, इफ़ यू सी लाइक फ्रेश फॉर्म टमाटो 25 रुपये किलो, ब्रोकली 50 पर केजी, यार 150 है, ब्रसल्स स्प्राउट से कुछ तो होता है यार, ये भी एग्जॉटिक्स है, 30 पर बॉक्स, सारी चीज़ें ही बहुत सही हैं हाँ, बट ये सब कुछ चाहिए नहीं। बट इनके पास ये ना मैंने दिखाया था ना बाहर, प्लांट्स भी लोग बेच रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर ऑल्सो सेलिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। मेरे को ना श्रीलंका की याद आ रही है यार, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट यू नो, और ये प्लांटर्स भी बेच रहे हैं यहाँ पे, नाइस आई लाइक दिस प्लेस।
ओह वाओ, आई विश मैं अपनी गाड़ी पे आई होती यहाँ पे, तो मैं यहीं कहाँ पे कुछ लेके जा सकती थी। सो यहाँ इनकी मैंने बताया था ना हाईफील टी फैक्ट्री है, तो वो उस साइड है। और टेस्टिंग सेशन नीचे होता है, टेस्टिंग करनी है क्योंकि चाय पीने की थोड़ी सी इच्छा हो रही है। सो विल गो टू टेस्टिंग। हम आ गए चाय टेस्टिंग के लिए, पर देखते हैं क्या करा रहे हैं। अरे वाह, ये मसाला टी थोड़ी सी ज़्यादा डालो ना। अलग अलग पहले चार प्रकार के देंगे, जैसे मसाला पहले देंगे, फिर चॉकलेट, जिंजर, रुको रेगुलर, रुको। चीयर्स। यस चीयर्स। मैंने ना इनसे दोबारा चॉकलेट वाली मांग के पी, रेगुलर ट्राई करी इलायची वाली, मसाला और चॉकलेट। आई लव्ड द चॉकलेट, पता नहीं क्यों, लाइक आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन एट ऑल, बट स्टिल आई लव्ड इट मैन। मीट पल्लवी, शी इज माय डोमेट बट नाउ वी आर फ्रेंड्स आई गेस। शी इज फ्रॉम नागपुर एंड ये कुछ कुछ तो शॉपिंग कर रही है। करो करो, इनको मसालों की एक्चुअली बड़ी ज्यादा नॉलेज है, बताते रहना आप जो जो लो। व्हाइट पेपर प्लीज। व्हाइट पेपर की स्पेशलिटी क्या होती है बताना एक बार। इट्स एक्चुअली व्हेन इट इज एक्स्ट्रा ड्राइड देन इट बिकम्स ब्लैक पेपर, बट व्हाइट पेपर इज कंसीडर अ लिटिल बिट एक्सोटिक, सो वी कैन यूज इट इन व्हाटएवर लाइक सैलड्स एंड ऑल इफ यू आर मेकिंग। सो द फ्लेवर इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, बट वी डोंट गेट इट इन नागपुर, सो हेंस आई एम बाइंग। आपके महाराष्ट्र में तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता। लड़ने मत आ जाना कमेंट्स में, मैं तो वैसे ही बोलूँ बहुत कुछ मिलता है भाई तुम्हारे महाराष्ट्र में। सो दैट्स देयर इज चेरी बेरी टी फैक्ट्री एंड यहाँ पर हमने वो चाय टेस्टिंग वगैरह वो सब किया, एक दो चीज़ें और खरीदी एंड दिस इज ऑल टी एस्टेट्स। ओह माय गॉड, दिस इज ऑल सो प्रिटी, जस्ट सन थोड़ा सा कम होता ना तो बहुत अच्छा लगता, बट अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। आई कांट टेल यू, आई मीन आई एम गोइंग mad over it, so pretty. और यहाँ के ऑटोज तो अलग ही लेवल है, येल्लो कलर के क्यूट से। वहाँ नीचे तुम देख सकते हो वो ना एक्चुअली गोल्फ कोर्स है भाई। कुन्नूर में ना अच्छे खासे रईस बसते हैं, वैसे ये है नहीं मतलब कोई गाँव नाम है बस इसका, लेकिन इट इज़ एक्चुअली प्लेस ऑफ रिचेज। वेलिंगटन लेक हम पहुंच गए हैं ना, जस्ट बाहर ही डक्स भी हैं। अरे मुझे मेरे घर की याद आ गई, हाय डक, ये यहाँ क्या कर रही है एकदम बाहर। Entered Wellington, you know, things changed and things started feeling and looking very differently. And obviously, I mean, जहाँ पर भी army, I mean, defense का कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ तो army, navy, air force तीनों ही हैं. So वहाँ पर वैसे भी सफाई, vibe, discipline, वो हर चीज़ ना हर तुम्हें नज़र आ जाती है. So it was exactly like that here also. And मौसम भी मुझे ऐसे लगा थोड़ा बहुत कि कुन्नूर से better है, maybe because शाम हो गया इसलिए अच्छा लग रहा है. But overall काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे. एंड यहाँ फिलहाल तो मैं लेक पर ही आई हूँ, अगर और कुछ है यहाँ पे तो आई डोंट रियली नो. एंड अभी तो ऑलमोस्ट अंधेरा भी होने वाला है, सो आई जस्ट गो बैक टू माय होस्टल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड आज का प्लान ये था कि सारे हॉस्टल में जितने भी लोग रुके हुए थे ना, एवरी वन विल गो फॉर अ हाइक। यहीं पास में एक टाइगर हिल करके एक जगह है एंड वहाँ पर बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना इज़ नॉट रियली सजेस्टेड, सो वी आर गोइंग नाउ। अभी लाइक धूप थोड़ी निकल आई है, ऑल दो प्लान था कि सनराइज़ देखेंगे बट हो चुके ऑलरेडी सनराइज, तो ठीक है चलते हैं। ओ एक्चुअली वहाँ पे ना भालू वालू आने का थोड़ा सा रिस्क होता है, तो ओ माय गॉड द बर्ड्स हियर। इस गोप्रो में तो तुम्हें नहीं नज़र आएगा बट इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। जहाँ पर मैं एक्चुअली रुकी हुई हूँ वहीं से ना बिल्कुल लाइक 5 मिनट की वॉक पर ही देर आर दीज टी प्लांटेशंस, इफ़ यू कैन सी बिहाइंड, इतनी सुंदर जगह लग रही है ना ये। बट अभी टाइम नहीं है यहाँ पर जाने का या यू नो चिल करने का, कुन्नूर आना मुझे दोबारा अकेले फिर से, और ऐसी ऐसी जगहें खुद से फिर आइडेंटिफाई करके चिल करना है। बाय नाउ आई नो दैट
पीपल हियर इन कुनूर दे आर लाइक द वेल्दीएस्ट ऑफ पीपल, बट स्टिल अभी मैं जा रही हूँ इस रास्ते पे, आई एम नोटिसिंग बंगलोज ऑफ द पीपल. ओ माई गॉड, दे आर ह्यूज, दे आर ब्यूटिफुल, एंड आई डोंट नो व्हाट मोर टू से. सभी घर अपेरेंटली ऐसे बाहर गेट लगे हुए हैं, अंदर जा के इनकी कोठी है, एंड देर इज दिस वन ऑल्सो, बट यहाँ बहुत ही बड़ी दीवार है सो यू कैन नॉट रियली सी, बट जितना मेरे को नज़र आया काफ़ी क्रेजी है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि वाई कुन्नूर इज चूजन एज अ डेस्टिनेशन फॉर सो मैनी बॉलीवुड मूवीज शूट. वर्थ इट है भाई. अभी ना आते आते चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर इट्स ऑल टी प्लांटेशंस एंड देयर इज दिस माउंटेन व्यू, देयर इज दिस बंगलो. ओ माई गॉड, दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बंगलोज अभी तक मैंने जितने मेरे को नूर में देखे, लाइक विद दिस व्यू. इमेजिन, आई मीन यू आर वेकिंग अप विद दिस व्यू ऑल डे एवरी डे. बट या आई एम काइंड ऑफ स्पीशलाइज विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. मुझे ऐसे लग रहा है पिछले एक दो दिन में मैंने जितना भी देखा है, घूमा है, जो भी है, वो सब वेस्ट ही था. मेरे को ना सीधा यहीं आ जाना चाहिए था और यहीं पर ही टाइम स्पेंड करना चाहिए था. प्राइमरीली मैं ऐसा सा कुछ चाह रही थी, ढूंढ रही थी कि ठीक है, मतलब टी प्लांटेशन के बीच में मस्त चिल करना है, बुक बुक पढ़नी है, बट अब जाके मुझे ऐसी लोकेशन मिली है. बट नेक्स्ट टाइम, येस, देर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम एंड देर इज़ अ रीज़न नाउ दैट आई वुड लाइक टू कम हेयर टू दिस प्लेस अगैन सुपर सून. मुझे ना एक्चुअली अभी पता चला, लाइक ये जो भी जितने भी पीछे टी एस्टेट्स हैं ना, ये सारे कुछ ऐसे किसी की प्रॉपर्टी है नहीं, दीज आर ऑल अनक्लेम्ड. तमिलनाडु गवर्नमेंट के थे या कुछ जो भी सीन था, बट पता नहीं फिलहाल. इट इज़ नॉन फंक्शनल, अनक्लेम्ड. वैसे तो तुम किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे चले जाओ इंडिया में, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल साफ़ हो और वहाँ पर कचरा ना हो. सो सेम हेयर, भरा पड़ा कचरा यहाँ पर, लाइक अंदर अंदर तक ना लोगों ने दारू की बॉटल्स तक फेंकी हुई हैं. आई एम श्योर अबैंडन्ड जगह है, कोई लोगों को ज़्यादा पता वता नहीं है, लोग आते ही होंगे, पीते ही होंगे, एंड आई मीन लोकल्स के लिए तो दिस इज़ लाइक द स्पॉट. इतना खूबसूरत है ना, आई कांट टेल यू. आई मीन जस्ट लुक एट दिस स्पॉट यार, क्या ही वो तुम स्काई लाइन देख रहे हो. पहले भी कुछ बोलना चाह रही थी. सो वी आर एंजॉइंग आवर टाइगर हिल ट्रैक एंड आवर टूर गाइड अमन. इसने हमें दो चार बार तो क्या फुट मार्क्स ऑफ सम एनिमल ही हैज स्पॉटेड, बट यू नो दिस ट्रेल, लाइक दिस पर्टिकुलर ट्रेल, दिस इज लाइक गेटिंग स्केरी नाउ, बट मस्त लग रहा है. मेरे को अपने हिमाचल वाले ट्रिप्स याद आ रहे हैं, वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे हाइक्स बहुत करे हैं. ये वाले जितने भी तुम प्लांट्स देख रहे हो ना, दीज आर एक्चुअली चाय के पौधे ओनली, एंड दीज आर लाइक ओवर ग्रोन. एंड मैंने ना फर्स्ट टाइम देखे कि इनके पौधों पर भी फ्रूट से लगते होते हैं. हाँ, रेगुलर आई मीन लोग काट देते हैं, बट ये ओवर ग्रोन है तो अब यहाँ से वही होगा, लाइक सूखेगा, सीड निकलेगा, नीचे गिरेगा, फिर और ज़्यादा ग्रो होगा. सो यहाँ पर ना सिमेट्री है, एंड कुछ लोग यहाँ पर एक्चुअली कैंपिंग भी कर रहे थे, विच इज़ टोटली नॉट सजेस्टेड. एंड यहाँ की वाइब्स यार बड़ी ज़्यादा स्पूकी है. आई गॉट इट. नहीं, अगर मैं अकेली आती भी ना यहाँ तक नहीं आती, वही टी एस्टेट्स तक ही आती. ओके, सो या आई मीन टोटली सजेस्टेड नॉट टू कम अलोन एंड कम इन द ग्रुप ऑलवेज. एंड ये जो सिमेट्री है यहाँ पर, वैसे तो ऑब्वियसली लॉक लगा हुआ है, बट पीछे से ना एक रास्ता है जाने का. वी आर नॉट गोइंग ऑब्वियसली, बट मे एवरी वंस सोल रेस्ट इन पीस. एक और पैच जहाँ पर बाइसन्स हैं, अब अगेन गोप्रो में नहीं आ रहे, बट एक तो डॉगी भी है, चंदन लोगों के साथ है. भाई देखो, पता नहीं है मेरे को डर लगता है तुम लोगों से, नहीं पता ये ना, हमें यहाँ पॉक्यू पॉइंट का मिला. लो लो, तुम फोटो ले लो. ऑलमोस्ट डन एंड गोइंग बैक. मैंने पूरा एक ट्रेल ही ऐसे पूरा गोल चक्कर, मज़ा आ गया. टाइम टू से गुड बाय टू कुन्नूर. काफ़ी अच्छा बुरा दोनों लग रहा है, लाइक
अच्छे लोग मिले मेरे को हॉस्टल में ना, बहुत अच्छे लोग मिले. इतना आई वॉज ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वे, आई डेंट कम विद एनी एक्सपेक्टेशंस. सो काफ़ी सही हो गया यार, सीन सॉर्टेड एकदम, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम हेयर अगैन. ठीक है, फटाफट से कोयम्बतूर के बस लेंगे एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो.